अभी बस अब भाई की शादी की तैयारियां जो है शुरू हो चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं हमने तंबू भी लगा दिया है। ये देखो शादी, अल्लाह का नाम लो। आप क्या मुझे आप व्यूअर्स का पता है क्या कह रहे हैं? बात सही नहीं है, ठीक है ना? आपने इस तरह की बातें करके ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। व्यूअर्स ये ऐसे ही बातें करती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम रिमशा के साथ, रिमशा को भी बताया हुआ था, तो हम प्रैंक कर रहे थे, लेकिन वो प्रैंक हमारा इतना अच्छा नहीं हुआ, तो इसलिए ना उसके लिए भी हम माजरत करते हैं। तो भी बस रिमशा के साथ हम मजाक कर रहे थे। और ये हम... जो हमने लगाए हुए हैं ना, ये हमने इसलिए लगाए हैं कि इस साइड पे ना काम हो रहा है। जो हमारे हमसाये ना, उनकी कमरे वगैरह जो है उन्होंने यहाँ से तोड़ लिए हुए हैं और बना रहे हैं, वो नए बना रहे हैं। तो यहाँ से पर्दे का सिस्टम बिल्कुल नहीं था, तो हम घर में जो भी करते थे, तो इधर लेबर आई हुई है तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये मैं लेके आया हूँ। तो शाजिया ने पता है क्या कहा है कि ना, मैंने कहा है कि अपने व्यूअर्स आज कहते हैं कि दूसरी शादी की तैयारियाँ, ये कहती है, हम कहते हैं कि शादी की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। ये देखें कनातें वगैरह आ चुकी हैं और हमने ये लगा दिए। तो शादिया इसीलिए खुश हो रही है कि आप दूसरी शादी इसी के काम है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं भला क्या इसी की शादी करवा के मैं कोई जो है सवाब का काम करूंगी, सवाब का काम करूंगी, ऐसी बात नहीं है। मेरी भाभी वैसे भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, तो हम दूसरी शादी जो है किस लिए करेंगे, क्योंकि अभी तो इनकी शादी हुई है। और दूसरी ऐसी बात नहीं है, हमें पैसे नहीं है शौक शादियों का। तो जो नसीब में होता है अल्लाह ताला जो करते हैं बंदे के लिए वो बेस्ट होता है। तो जो हो गया वो हो गया, बाकी ऐसी कोई सोच नहीं है। हम सम टाइम आपको एंटरटेन करने के लिए इस तरह की वीडियो बना लेते हैं, तो उसमें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। फिलहाल ये हमने इधर से लगा दिया हुआ है। तो शाजिया और अम्मी ने तंदूर पे रोटियां लगानी है। हाँ, अभी हम मिलकर रोटियां लगाएंगे, अम्मी और मैं। हमने तंदूर पर आग जो है डाल दी है, तो हम सब घर वाले बहुत ज्यादा खुश हैं। आप परेशान ना होया करें भी, बस हम तो ऐसे वीडियो मजाक करते हैं, बना लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो भी बस मैं क्यों चाहूंगी कि मेरी भाभी का घर खराब हो और दूसरी भाई की शादी करें। मैं कौन होती हूँ जो दूसरी की शादी करवाने वाली? बिल्कुल, मैं कौन होता हूँ और खर्चे करने वाला? तो ऐसी बात नहीं है विवेक, क्योंकि हम तो रिमशा को पहले भी बताया हुआ था, हम तो मजाक कर रहे थे, और अम्मी को भी बताया हुआ था। बिल्कुल, आपको पता है कि इतना टफ दौर चल रहा है, इमरान खान का दौर है, और इतनी महंगाई है, एक बंदे को मेंटेन करना, सब कुछ करना बहुत मुश्किल है। और फिर ऐसे ही मतलब ये चीजें नहीं पसंद। एक है उसकी जिंदगी अच्छी गुजारो, जिसके साथ जो भी है सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि बंदा दूसरे की लाइफ खराब करे। तो हम इस टाइप के नहीं है, बस आपको सम टाइम एंटरटेन करने के लिए प्रैंक बनाते हैं, तो सीरियस होने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। हम तो मजाक करते हैं अपने व्यूअर्स को हंसाने के लिए। हाँ बिल्कुल। परेशान असल में आपने एंड सही नहीं किया ना, एंड में आपने बता देती कि हम प्रैंक कर रहे हैं, तो सही था। आपने एंड आपने सही नहीं किया। चले तो आप मुझे बता देते तो मैं एंड में ऐसा कह देती बस। चले हमने मजाक किया था, तो आज तो फिर बता दिया हुआ है ना। आज तो सभी को पता चल ही जाएगा जब वीडियो देखेंगे कि हमने कल जो है मजाक किया था। तो अभी जो है अम्मी रोटियां लगा रही है, तो नाश्ता भी बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने तंबू जो है ये मजबूरन ही लगवाया है, क्योंकि यहाँ से ना बिल्कुल बहुत ज्यादा मसला बना हुआ था, और इसलिए ना इधर से उधर तक हमने लगा दिया हुआ है। अम्मी से पूछते हैं, अम्मी किस तरह गर्मी आ गई है ना? हाँ। तंदूर पे बैठ के तो वैसे बहुत गर्मी लगती है, देखिए अम्मी को पसीना आ रहा है, घर में दाग है, काफी गर्मी लग रही है अम्मी को। ऐसे ही ना आज शादी है ना, शादी की खुशी में सलाम दुआ करना ही भूल गई है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, और अल्लाह के फजल और करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं, भाई हैं, दुख और तकलीफ में हैं, तो अल्लाह ताला उन सब की जो है दुख और तकलीफ दूर करे। तो इसी देख दुआ के साथ वीडियो का आगाज करते हैं। और आगाज तो हो चुका है, आगाज तो पहले हमने कर लिया था, तो कोई बात नहीं, फिर से कह देते हैं, इख्तिताम करते हैं। ठीक है,
आपने हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करना है। तो जो कल मिली हुई थी ये बड़ी प्रैंक स्टार हो गई है, है ना? ऐसे अम्मी? हाँ सही बात है। नहीं, हम सब आपको एंटरटेन करने के लिए, अम्मी मैं सब हम आपको एंटरटेन करने के लिए इस तरह की वीडियो बनाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं होती। तो रिमशा भी हमारी बहुत अच्छी है, हम कभी भी जो है मेरी बहू बहुत अच्छी है। आपकी बहू बहुत अच्छी है, कहती है मेरी बहू बहुत अच्छी है। अच्छा, तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं पहले इधर से जो है दीवार नहीं थी, तो अब जो है ये दीवार बन गई है। तो आप इधर देख सकते हैं मेरे चाचू की जो है छोटी सी बछड़ी रात को जो है पैदा हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, अपनी माँ पे गई है। उनकी माँ आप देख सकते हैं वो भी गोरी है, और ये बछड़ी भी जो है, हम तो अपनी सरायकी जबान में बोलते हैं गोरी, तो ये गोरी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और दो गायें हो गई हैं, एक उनकी माँ और जो बछड़ी है वो भी, एक तो हम अपनी जबान में बोलते हैं बच्चा और ये बच्ची है, और दो गायें हो गई। और अभी जो है ये हम दीवार इतनी सी बन गई है, तो आगे भी जाएगी। और इन्होंने मशीन जो है टोपी वाली वो भी इधर लगा दी है, और हम भी सोच रहे हैं इधर अपनी टोकी वाली मशीन जो है कल से तैयार करेंगे। अब्बू और मैं मिलकर, हमारा सामान जो है काफ़ी सारा आ चुका है, तो कल हम बनाएंगे। तो अपने व्यूअर्स अपनी जो हमारी पुरानी पड़ी हुई है ना, हम उसी को स्टार्ट करेंगे। तो अब्बू और मैं बनाएंगे इधर से, कल शुरू करेंगे वो काम भी, तो अपने व्यूअर्स से ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि वो तो उन्हीं की थी। अब पहले उधर से थी, यहाँ से ये दीवार नहीं थी, आसान था, लेकिन अभी मुश्किल है, इधर से टोका लेके उधर से हो के आना, फिर इधर डालना, इसलिए हम अपनी बनवाएंगे। तो फिर अभी हम अपनी टोके वाली मशीन इंशाल्लाह कल से जो है शुरू करेंगे। इस पे थोड़ा मट्टी डालेंगे, इधर नीचे मट्टी डाल के जो है फिर बनाएंगे। तो व्यूअर्स, अभी जो है हमने कट्टे को घास डाल दिया है, और हमारी एक गाय जो है उनको भी डाल दिया है, और अभी बकरियां जो है वो बची हुई हैं, तो उनको भी डालना है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो, तो आपको कैसी लगी है तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और हमेशा हमेशा अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।